मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी और परिवारवादी ताकतों के बीच में चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चढ़कर बोल रहा है और शायद पूरे महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट का ये माहौल है, वातावरण है कि जनता चुनाव लड़ रही है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इस चुनाव की बागडोर जनता के हाथों में है। आज जहाँ जहाँ प्रथम चरण के चुनाव थे वहाँ जो सभाएं हुई हमारे नेताओं की, हम लोगों ने जितनी उम्मीद करी थी खुद से उसकी दोगुनी भीड़ आई है। इस बात का परिचायक है कि इस बार चुनाव में मोदी लहर, जिसको कहते हैं कि मोदी मैजिक है पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में, और उसके चलते महाराष्ट्र में अगर कोई विपक्ष एक भी सीट जीत जाए तो ये शायद विपक्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। विपक्ष की नकारात्मक सोच है, विपक्ष मोदी विरोध के आधार पर उनको अपशब्द कह के, जैसे संजय राउत बोलते हैं कि श्री अमित शाह जी और मोदी जी को कहते हैं कि विनाशकारी हैं, मैं तो इनके लिए कहूँगा कि आपके जो शब्द हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि विनाश काल में आपके लिए विपरीत बुद्धि आपको दे रहे हैं। आज शिवसेना को समाप्त करने वाले संजय राउत आज बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को तिलांजलि देने वाले संजय राउत, राम का विरोध करने वाली कांग्रेस और अंबेडकर जी का विरोध करने वाली कांग्रेस के साथ शिवसेना को मिलाने वाले ये लोग, जो उद्धव जी की जो शिवसेना है, मैं समझता हूँ उसने जो नकली चोला पहना था राम नाम का, सनातन का और हिंदुत्व का, वो चोला अब उन्होंने उतार दिया है और मैं कह सकता हूँ कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके जो मित्र पक्ष हैं उनके प्रत्याशियों के संबंध में एक बड़ी सकारात्मक जो सोच है वो जनता की है।